हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप देख सकते हैं ये है सेटअप बॉक्स सेल्फ सेटअप बॉक्स रैक आप इसको बोल सकते हो इसको कैसे वॉल में इंस्टॉलेशन किया जाता है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा इससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं अगर आपको यह सेल्फ लेना होगा तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो, तो चलिए अब हम करते हैं इसको इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट तो आप देख सकते हैं ये रहा सेल्फ हमारा इसको हम रख देते हैं अभी साइड में अब मैं आपको बताता हूं कि इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा तो ये रहा सेल्फ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा ड्रिल मशीन का ठीक है तो ये ड्रिल मशीन का हमको जरूरत पड़ेगा दूसरा में हमको ये बीट सेट का आपको ज़रूरत पड़ेगा और तीसरा में आपको ये टॉर्पीडो लेवल इंडिकेटर का इसको इंडिकेटर में मतलब इसको सेंट्रल में है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा और आपको एक स्क्रू ड्राइवर का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप देख सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो अगर आपको ये सब चीज़ भी लेना होगा जैसे कि ड्रिल मशीन बीट सेट और ये टॉर्पीडो लेवल इंडिकेटर और ये आपका स्क्रू ड्राइवर तो अगर आपको ये लेना होगा तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं तो चलिए अब हम करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल में ड्रिल कर दिया है टोटल सिक्स ड्रिल किया है और जो कैप होता है जिसमें अपन स्क्रू को टाइट करते हैं वो भी लगा लिया है आप देख सकते हैं दो सेंटर के लिए और दो आपको लेफ़्ट एंड राइट के लिए आपको लगता है तो मैंने जो ये ड्रिल किया है वो इस ड्रिल मशीन से किया आप देख सकते हैं घर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा ड्रिल मशीन है क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है रिवर्स और फॉरवर्ड यानी कि ऐसा भी चलता है और ऐसा भी चलता है तो इस कारण मैंने ये फॉफ्टर का ड्रिल मशीन लिया था घर यूज़ के लिए और इसमें आपको स्पीड इस कंट्रोल भी आप इससे कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा ड्रिल मशीन है तो इससे मैंने इसको ड्रिल कर दिया है और आप देख सकते हैं जो सेंटर में आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा उसको मैंने इस टोरपीडो लेवल इंडिकेटर से मेजरमेंट किया था और उसके बाद मैंने उसको स्केल में उसको खींच दिया आप देख सकते हैं जैसे कि हम इसको मेज़रमेंट करते हैं तो ये आपको बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देगा आप देखिए देखिए आपको ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस कारण इसको यूज़ किया जाता है ताकि जो भी सेंटर है दोस्तों इसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से ठीक है ये जो है ये बबल सेंटर में आना चाहिए तो आपको ये काफ़ी आसानी हो जाता है कि ये जो हमारा सेल्फ है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्ट्रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है इससे आप पता कर सकते हैं तो चलिए अब हम इंस्टॉलेशन करते हैं सेल्फ को तो सेल्फ को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको इस्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा तो आप देख सकते हैं ये रहा इसक्रू डाइवर मेरा है ना तो ये जो स्क्रू ड्राइवर सेट है ये है हमारा इस्क्रू डाइवर सेट ठीक है तो चलिए हम अब करते हैं सेल्फ को इंस्टॉलेशन तो सेल्फ़ को इंस्टॉलेशन करने के लिए जो स्क्रू है आप इसको छह स्क्रू आप आपको चाहिए रहेगा जो कि आपको बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा सेल्फ के ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए हम सबसे पहले जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसको हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने तो कैपिंग लगा दी है जो भी सारा मेजरमेंट करके आपको ऐसे लगाया था ठीक है तो जैसे आप इसको लगाएंगे कि जैसे आपको ये होल का आपको पॉइंट जानना है तो आप एक लकीर खींच दीजिएगा ठीक है जो लकीर खींचेंगे आप इससे मेजरमेंट कर लीजिएगा और लकीर खींच दीजिएगा ठीक है उसके बाद आपको ऐसे मिलाना है देन मिलाने के बाद आपको क्या करना है आपको जो पेन होता है पेन का जो रिफ़िल होता है रिफ़िल उसको ऐसे मार्क कर देना है जो रिफ़िल होता है उसको ऐसे मार्क कर देना है ताकि जैसे आप इस पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा डॉट जैसा बन जाएगा और जहां डॉट जैसा बन जाएगा उसके बाद आपको इस पे और इस पे आपको मेजरमेंट जो लकीर है उसमें आपको उसी जगह पे आपको होल कर देना है जैसे कि यहां पे अगर आप डॉट बनाते हो यहां पे अगर आपका डॉट बनता है तो उसको आपको ये लाइन में आपको ये लाइन में और ये लाइन में आपको उसको क्या करना है होल करना है तो आपको इस प्रकार से आपको होल करना होता है तो चलिए मैं अब इसको सिंपली टाइट कर देता हूं आपको पेन का रिफिल का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि जो इसका होल है आप देख सकते हैं जो इसका होल वो काफ़ी छोटा है तो जो पेन का रिफिल है इजिली वहाँ पर चले जाएगा उसके बाद मार्क बन जाएगा और आपको जो भी ये लकीर है आपको उसी में होल करना है जैसे कि आप इसको मार्क करने के लिए आप कहीं पे भी आप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे मार्क बना और यहाँ पे मार्क बना लेकिन आप जो मेजरमेंट लाइन लिए हो आपको उसी में आपको होल करना है तो सबसे पहले इसको इंस्टॉलेशन करना है तो आपको इधर का आपको पहले नहीं करना है पहले आपको सेंट्रल पार्ट को ही आपको लगाना होगा तभी आपका जो लेफ्ट एंड राइट साइड वाला है वो लग पाएगा ठीक है तो आपको इसको स्क्रू इस को मैंने ऐसे डाला और स्क्रू को डालने के बाद आपको क्या करना है इसको मिला देना है मिलाने के बाद ये आप देख सकते हैं ये घुस गया जो स्क्रू है इस पर तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल पार्ट है वो सक्सेसफुली मेरा इंस्टॉलेशन हो गया अब हमको क्या करना है जो लेफ्ट साइड वाला है ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट right साइड वाला है आप देख सकते हैं ऐसे में आपको समझ आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसके बाद क्या करना है सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला को करते हैं तो आपको ऐसे लगा देना है और जैसे ही आप इसको लगाएंगे उसके बाद आपको ये ये जो मीटर है आपको इसको ऐसे रख देना है ठीक है ऐसे रखने के बाद आप देख सकते हैं जहां पे भी सेंटर पे आएगा ये सेंटर पे आ गया उसके बाद आपको एक पेन का रिफ़िल लेना है और पेन का रिफ़िल को ये होल में ऐसे जाके ऐसे कर देना है और हैज इट इज़ आपको ऐसे इस जो होल है उस पर भी कर देना है उसके बाद यहाँ पे मार्क आ जाएगा और वही मार्क पे आपको होल करना है तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको इस तरफ वाला लेफ़्ट हैंड साइड वाला आपको फिट करना है अब मैं इस पर स्क्रू को लगा देता हूँ और इस पर भी स्क्रू को इधर लगा देता हूँ स्क्रू लगने के बाद हम इसको टाइट कर देते हैं फुल टाइट कर देते हैं और आप इसको फुल टाइट करिएगा नहीं तो क्या होगा ये लूज़ होगा तो ये टूट सकता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप इसको फुल टाइट करें नहीं तो अगर ये लूज़ होगा तो ये टूट जाएगा तो आप देख सकते हैं ये जो साइड वाला है ये फ़िट हो गया अब हमको क्या करना है जो राइट हैंड साइड है उसको फिट करना है तो सेम हैज़ इट इज़ जो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने आपको प्रोसेस बताया वही प्रोसेस आपको इधर भी फॉलो करना है आपको इसको ऐसे लगा देना है उसके बाद आपको क्या करना है ये जो इंडिकेटर है इसको आपको ऐसे सेंटर में रखना है उसके बाद आप चेक करिएगा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं बीच में आ गया उसके बाद जो पेन का रिफ़िल होता है उसको आपको ऐसे टिक कर देना है ताकि इस तरफ वो मार्क हो जाए उसके बाद आपको वहीं पे आपको होल कर देना है और कैप को डाल के आपको स्क्रू से टाइट कर देना है तो मैं अब सिंपली इसको इस पर लगा देता हूं तो हमारा ये लग गया अब हम इसको टाइट कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा सेल्फ है जो हमारा सेटअप बॉक्स सेल्फ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है वॉल पे और आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी एंगल से ये आड़ा तिरछा दिखाई नहीं दे रहा होगा वो इस कारण है क्योंकि हमने इसको प्रोफेशनली वे में इंस्टॉलेशन किया है और इसके लिए हमारे पास आप देख सकते हैं टॉर्पीडो लेवल इंडिकेटर ये ड्रिल मशीन ठीक है ना ये ड्रिल मशीन हो गया और ये जो बीट सेट हो गया ये सब हमने यूज़ किया है ताकि इसको हम प्रोफेशनली वे में एकदम अच्छे से इंस्टॉलेशन कर सकें तो अगर आपके पास ये सारा सामान होगा तो आप खुद इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो आपको किसी भी प्रकार का किसी भी मिस्त्री लोगों को बुलाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसको घर बैठे इसको इतना अच्छे से फिट कर दिया तो अगर आपको यह सेल्फ लेना होगा तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ जो जो मैंने यूज किया है सामान गैजेट उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं ठीक है तो आज का वीडियो बस यही था आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर